तो नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, राजकुमार टैलेंट चैनल में उड़द दाल की रेसिपी आपको बताया जाएगा। तो कृपया हमारा वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे उड़द दाल की रेसिपी नई अंदाज नई तरीके से बनाया जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, एक छोटी सी कटोरी रहा, इस कटोरी में थोड़ा सा अंदाज से तो एक कटोरी बने तीन आदमी को खाने के लिए, या बीवी बच्चे के लिए। हवा पाउडर ज़्यादा डाला हुआ रहता है तो इसको पानी में भिगा के रखना पड़ता है और ज़्यादा इसे हाथ से मिक्स करके धोना पड़ता है। मैं एक बार पानी बदली कर चुका हूँ और देखिए थोड़ा सा इसमें लहसुन, ये तीसरी बार हो चुका है अभी धोते हुए, और इसको 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, फिर अच्छे से धोएंगे दाल को। और देखिए उसके बाद देखिए तीन बार धोने के बाद भी ऐसा दिख रहा है अभी, तो 10 मिनट इसको फिर छोड़ेंगे, थोड़ा अच्छे से भूल जाएगा तो और इसमें का दवा निकल जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए, आगे की प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा, उड़द दाल व्हाइट वाला इसकी रेसिपी किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों इस उड़द दाल को 5-6 बार धो चुके हैं, अभी इसको कुकर में जा रहे हैं सीटी दिलाने के लिए। कुकर में डाल चुके हैं और दोस्तों इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नमक डाल चुके हैं, अभी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसको अभी सीटी लगाएंगे, सीटी के बाद में दोस्तों तड़का लगा के दिखाएंगे घी में, देसी घी में तड़का लगे। तो देखिए गैस पे आ चुका है, एक सीटी आने का इंतजार, तब तक तड़की की तैयारी हो रहा है। उड़द दाल की सब्जी के साथ में गोभी की सब्जी भी बन रहा है इसी वीडियो में, देखिए जीरा हरी मिर्ची। दोस्तों गोभी की सब्जी जीरा पे शुरू बनेगा, गोभी आलू की सब्जी झटपट तरीके से बनाए। तो इस तरीके से दोस्तों गोभी आलू की सब्जी हमारे पास बनता है। आपको फुल वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं राजकुमार टैलेंट चैनल, क्योंकि ये रेसिपी अलग अलग तरीके से बनते रहता है। उड़द के दाल के साथ में गोभी आलू की सब्जी और रोटी के साथ में दोस्तों खाया जाएगा। देखिए इसमें सब मसाला डाल रहे हैं, अभी तीन मसाला डाल चुके हैं, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दे रहे हैं। दोस्तों ये 15 से 20 मिनट में गोभी भी तैयार हो जाएगा, तब तक इधर दोस्तों दाल भी पक जाएगा। इसके बाद दोस्तों तड़का लगा के दिखाई दोस्तों गोभी आलू की रेसिपी और साथ में उड़द दाल की रेसिपी दोनों एक ही साथ में बन रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, और दिखा रहा हूँ उड़द दाल की रेसिपी किस तरीके से उसका तड़का लगाया जाता है। तब तक दोस्तों ये गोभी भी जब पक रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों उड़द दाल के तड़का लगाने के लिए ये देखिए अदरक और छोटा छोटा बारीक बारीक कटा हुआ दोस्तों प्याज है, और इसके अंदर एक हरी या लाल मिर्ची सूखी डालेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए तब तक मैं दोस्तों इधर गोभी की सब्जी भी हो रहा है साथ साथ में, उड़द दाल की सब्जी रोटी, दोस्तों तड़का लगेगा, और दोस्तों इधर गोभी मेरी तैयार हो रही है। ये आलू की रेसिपी एकदम मस्त देसी स्टाइल में, हिंदी भोजपुरी भाषा में, और दोस्तों इसमें आप देसी घी डालेंगे। तो देख सकते हैं कि ये देसी घी है, ये रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होता, इसमें थोड़ा सा डालेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी देसी घी डाल चुके हैं। तो मेरा दोस्तों का नाम है कि घी बहुत जल्दी गर्म होता है, तो दोस्तों ये देखिए अदरक डाल दिए, थोड़ा सा जीरा और एक लाल मिर्च हरी मिर्ची, और दोस्तों इसे पकाएंगे। देखिए उधर उड़द दाल सीटी लग चुका है, और दोस्तों इधर झटपट झटपट तड़का लग रहा है, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्याज डालेंगे। ये है राजकुमार टैलेंट अंदाज नई रेसिपी, उड़द दाल की रेसिपी घी के तड़के के साथ में कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे से कुछ प्रचार कराना हो किसी को तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो पे अपने जीमेल आईडी दे सकता हूँ, तो उससे ईमेल कर सकते हैं। ये है राजकुमार टैलेंट चैनल, दिल की गहराइयों से नई अंदाज में कुकिंग वीडियो आता है मेरे चैनल पे। तो देखिए इधर उधर ये होम किचन का वीडियो आता है, बहुत अच्छा अच्छा मैं बनाने की कोशिश में रहता हूँ। दोस्तों बहुत स्लो स्लो से इसको बनाना होता है तड़का, घी गर्म होता है तो दोस्तों बहुत प्यार से और धीरे धीरे
इस तरीके से आप तड़का लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसा धीरे धीरे एकदम स्लो वाला गैस पे पका रहे हैं। चार गैस है, इसमें सबसे छोटा वाला है, इस पर पका रहे हैं। बहुत तेज़ी में ही पकाना होता है, बहुत टेस्टी बनता है उड़ा दाल का। इस तरीके से आप भी बनाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें प्याज कैसे ब्राउन ब्राउन एकदम धीरे धीरे हो रहा है। करीब ये 2 मिनट से इसको पका रहे हैं आराम आराम से। तो ऐसा आप भी पका सकते हैं उड़द दाल के तड़का किस तरीके से लगता है सिर्फ प्याज से। तो उड़द दाल गैस करता है, तो इसके लिए हींग डाल रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा तड़के के अंदर हींग और थोड़ी सी दोस्तों हल्दी और दोस्तों एकदम थोड़ा सा मसाला, ये बोले तो धनिया, और इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देसी घी में उड़द दाल का दोस्तों तड़का लगा जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं 2 डिश का दिखाया हूँ, पर मेन डिश इसका उड़द दाल किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ख़ास है दोस्तों अब इसके अंदर दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्ची अभी डाले हैं और सब मसाला इसके अंदर जा चुका है। हींग और बहुत टेस्टी बनेगा, हींग और कश्मीरी लाल मिर्ची और 2-3-4 मसाला डाल चुके हैं अभी। तो दोस्तों मेरा ये तड़का, अदरक भी है डाला हुआ पहले, वो इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए इधर गोभी भी दोस्तों एकदम अच्छा ब्राउन ब्राउन कलर, कश्मीरी लाल मिर्ची डाले हैं तो ये सब कलर आ चुका है। तो ये भी तैयार हो रहा है, 5 से 7 मिनट में दोस्तों ये भी तैयार हो जाएगा पूरा दाल। अभी इसको सीटी दिला चुके हैं, थोड़ा खारा है, फिर इसको तड़के में मिक्स करेंगे। दोस्तों देखिए अभी तड़का में, तो दोस्तों देखिए अभी तड़का कितना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। तो ये दाल खाने के लिए तैयार हो गया, थोड़ा सा एक उबाला आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों उड़द दाल का तड़का देने के बाद दोस्तों आप एक उबाला आने तक इंतज़ार करिए, उसके बाद दोस्तों खाइए और बनाकर चेक करिए उड़द दाल की रेसिपी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये है राजकुमार टैलेंट चैनल, दिल की गहराइयों से एक नई अंदाज में कुकिंग रेसिपी वीडियो दोस्तों आता रहता है हमारे चैनल पर। नई अंदाज में मैं दोस्तों लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। ताज़ा ताज़ा आटा गूंद चुके हैं अभी, और दोस्तों रोटी, उड़द दाल की सब्जी, उड़द दाल और गोभी आलू की सब्जी। तो 2 डिश एक साथ में मेरे प्रिय दोस्तों मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो में बने रहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों अभी मेरा खाना रेडी हो रहा है और आप लोग को मैं सब चीज़ दिखा चुका हूँ अपने इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो ऐसा ही हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के बीच में लेके आता रहूँगा राजकुमार टैलेंट चैनल पे। और दिल की गहराइयों से एक नई अंदाज में, और दोस्तों मुझे कहना है कि मुझे सपोर्ट करिए और हम भी आप लोग को सपोर्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए हमारे वीडियो पर और हमें कमेंट का दोस्तों रिप्लाई आपको बराबर हम देते रहेंगे। तो खाने के लिए दोस्तों रेडी हो चुका है अभी, थोड़ा देर और वीडियो मेरा ये बनेगा, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रोटी और दाल और गोभी आलू की सब्जी के साथ में दोस्तों ये वीडियो को एंड करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये उड़द का दाल तैयार हो चुका है देसी घी के अंदर। तो दोस्तों मेरा खाना एकदम रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो दोस्तों देखिए इधर गोभी की सब्जी भी अच्छे तरीके से एकदम मस्त बन चुका है, और देखिए दोस्तों हरी मिर्ची भी है इसके अंदर। और दोस्तों अभी ये दाल फिर से एक बार गर्म हो रहा है खाने के लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो में ऐसा ही बने रहिएगा, हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं मेरी दाल तैयार हो चुकी है और कटोरी में आ चुकी है।
उड़द दाल देसी घी में किस तरीके से बनाएं वो आपको मैं बता रहा था। और देखो बहुत टेस्टी टेस्टी उड़द दाल बनता है, इसे चावल के साथ में या रोटी के साथ में आप खा सकते हैं, देख सकते हैं आप। गोभी आलू की सब्ज़ी और उड़द दाल और साथ में रोटी। तो दोस्तों देखिए मेरी गोभी आलू और उड़द दाल की रेसिपी रोटी के साथ में दोस्तों खाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है मेरे अंदाज में राजकुमार टैलेंट चैनल पे। तो आप लोग के बीच में मैं ऐसा ही वीडियो लेके आते रहूँगा। दोस्तों हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फुल वीडियो को दोस्तों एंजॉय करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगली वीडियो में मैं फिर आप लोग से मिलने की कोशिश करूँगा। और देखिए कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है दोस्तों, गाढ़ा गाढ़ा। और दोस्तों वो भी कुकर के अंदर चावल भी है, चावल के भी साथ खा सकते हैं उड़द के दाल को। तो दोस्तों देखिए दाल चावल के साथ खाना चाहे तो ऐसे चावल भी बन गया है, तैयार हो चुका है दाल। और दाल चावल गोभी आलू की सब्जी एकदम अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। यही वीडियो एंड हो रहा है, सपोर्ट जारी रखिए।